हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उषा ब्लॉग्स एंड रेसिपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ गुड़ वाले ठेकुए की रेसिपी, जो बिहार और झारखंड में बहुत फेमस है, उसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। तो बने रहें लास्ट में। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैंने यहाँ 1 kg मोटा आटा ले लिया है। आप कोई भी आटा ले सकते हैं, पैकेट वाले का भी यूज कर सकते हैं। इस पर मैं लगभग 1 कप रिफाइंड ऑयल मिलाऊंगी। अगर आप इसमें घी भी डाल सकते हैं तो मैं 1 कप रिफाइंड ऑयल डाल ली हूँ। इसमें 2 चम्मच के लगभग सौंफ डालेंगे और थोड़ी सी मैंने नारियल, सूखी नारियल कट करके छोटे छोटे पीस में कट करके इसको डालेंगे। और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें लगभग 2 चम्मच मैं सूजी डाल रही हूँ। आपको मोटा पतला कोई भी दाना हो आप इसमें डाल दें, 2 से 3 चम्मच। इसे हमारा जो है ठेकुआ जो है बहुत ही खस्ता बनता है। मुझे जो मोयम थोड़ा कम लग रहा था फ्रेंड, तो आप अंदाज से और थोड़ा सा डाल सकते हैं। और मैं अब इसमें 1 kg आटा में लगभग 1/2 kg से थोड़ा सा कम मैं इसमें गुड़ मिक्स करूंगी। और पहले इसको सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। हमारा आटा जो है फ्रेंड, देखिए मुट्ठी बंद रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो खास ठेकुआ का जो ये मैं बना रही हूँ वो एकदम परफेक्ट बन रहा है, देखिए कुछ इस तरह। और अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सानेंगे, एक बार में पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा जो यह ठेकुआ का जो ये है वो गीला हो जाएगा। मैं एक साथ ही सभी को सान रही हूँ। आप थोड़ा थोड़ा करके भी सान सकते हैं, पर मैं एक साथ ही मिला रही हूँ सभी को। हमारा जो ठेकुआ का जो मिक्सर है वो तैयार है, देखिए कुछ इस तरह का। हमारा जो ठेकुआ का जो बैटर है वो एकदम तैयार है, देखिए कुछ इस तरह की। हमको सानना है जो मुट्ठी बंद हो जाए। चलिए अब इसको बनाना शुरू करें। मैंने एक सांचा ले लिया है फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा रिफाइन या घी कुछ जो भी लगाना आप लगा दें। और ना ज़्यादा बड़ा ले गोलिया गोली लेना है ना ज़्यादा छोटा, और आपको जिस भी शेप में बनाना है। ये सांचा मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, देखिए कुछ इस तरह से
कितना अच्छा हमारा जो है, मैं ठेकुआ को आकार दे रही हूँ और एक आकार यहाँ भी है। इसके लिए हमको इसको राउंड शेप में करना होगा। देखिए कुछ इस तरह मैं सभी को सभी गोलियों को ठोक के रख लूँगी ठेकुआ के लिए, फिर मैं इसको छानूंगी, इससे हमारा समय भी बचेगा। कुछ इस तरह बस एक ही बार मैंने तेल लगाया और कितने सारे ठेकुआ को मैंने ठोक लिया है। देखिए कुछ इस तरह से अब मैं इसको छानूंगी। चलिए मैंने कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिया है। अगर यह छठ के लिए बनाए तो इसमें शुद्ध घी का यूज करें। और हमारा जब रिफाइंड गर्म हो गया तो मैंने गैस के फ्लेम को कम कर दिया और एक एक ठेकुआ को जो मैंने रखा था बना के उसको डाल दिया और गैस के फ्लेम को एकदम कम कर दिया। और इसे 3 से 4 मिनट हमें इसको अच्छे से पकाना है सेक। और देखिए मेरे ठेकुआ का कलर कितना अच्छा आया और ये बहुत ही खास्ता बना था। फ्रेंड आप इसी तरह सभी को तल लें, तल के निकाल लें। अगर आपको यह रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत नज़र आई हो, तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हाँ, मैं हाई गेट लगती हूँ। हाँ, क्या